जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास मात्यम के 12वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। कार्तिक महीने के मात्यम की कथा सभी को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुननी चाहिए। जो भी प्राणी कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है तो उसके ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा बनी रहती है एवं उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माता की असीम अनुकंपा बनी रहती है। स्कंद पुराण के पहले अध्याय में विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी कार्तिक मात्यम की कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है तो उसे मेरे दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को फिर आता हुआ देख करके शवि इंद्र आदि देवता गण भय से कांप गए, विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देव वृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कूर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण करके संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा शंख पद्म और तलवार अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप श्री लक्ष्मी जी के पति दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीतंबर धारी यज्ञादि समस्त क्रियाओं को पूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान, इस प्रकार आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे विष्णु, हे मधुसूदन, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सदृश हैं। आप शेष रूपी शैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्त्रोत का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी ना होगा। देवतागण इस प्रकार के स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत सैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मी जी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई का युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीति वश जलंधर मेरे बद योग नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर के गरुड़ पर आसीन हुए। शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति करते थे वहाँ आ पहुँचे। तदनंतर गरुड़ के पंखों द्वारा प्रताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे कि
जिस तरह वायु से आहत होकर के मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु से पीड़ित देख करके क्रोधित होता हुआ उछल करके विष्णु के समीप आ गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय। जो भी मनुष्य कार्तिक मास महात्म के सभी अध्यायों की कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती है और लक्ष्मी माता की कृपा से उसके घर में धन धान सुख समृद्धि का हमेशा उसके यहाँ पर स्थान बना रहता है। तो मित्रों, आज की कथा में इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।